क्या कहना चाहेंगे इस पर आपका? किसी प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी, सारे डाटा सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदीनगर की बता रहे हैं कि आपका सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ दर्ज हो रहा है, आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने बाकी में कुछ नहीं किया है, 22 डेथ हमारे यहाँ मॉकड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। बताया जितनी हुई है बीमारी से, कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पर थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास है 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन की क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मुद्दा है। लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है, जितनी ज्यादा से मॉकड्रिल का ऑक्सीजन सफिशियंट थी, लेकिन ओवरफ्लो में नहीं थी। हमें जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का, हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉकड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर, अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिशाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जाँच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जाँच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर। लेकिन उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पर दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पर डीएम सर ने कहा कि मोदीनगर का प्लांट ड्राई हो गया, जैसा हमारे बेंडन ने बताया था। बेंडन ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदीनगर का प्लांट ड्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने, व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदीनगर का प्लांट ड्राई हो गया। साहब, एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट टाइम में सवाल है, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सवाल सर एक सेकंड, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूँ। डीएम आगरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉकड्रिल क्यों करना पड़ा? सर, सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा पाता था। अरे, जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही, जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कब मदद नहीं की है? IMA का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। तो डॉक्टर केवल आरोप लगाने से कुछ